हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रियंका और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम पर। मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम पर आपको मिलते हैं 6 से 12th क्लास तक के सभी विषयों के हाई क्वालिटी कंटेंट। इसके साथ ही मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम आपको प्रोवाइड कराता है ना सिर्फ CBSE बोर्ड बल्कि अदर स्टेट्स बोर्ड के भी फुल्ली ऑर्गेनाइज कोर्सेज। और ये सभी कोर्सेज आपको मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कि आपको इसके लिए किसी तरह की कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप हमसे ई नोट्स और ई बुक्स भी लेना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए इसी जानकारी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं भाई अपना पार्ट 6 जिसका नाम है क्या, जीवों में श्वसन। और जीवों में श्वसन की बात करें तो हम क्या क्या पढ़ चुके हैं एक बार देख लेते हैं। तो देखिए हम जो पढ़ चुके हैं, हमारा पहला टॉपिक है कि हम श्वसन क्यों करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा श्वसन, फिर हमने क्या पढ़ा, हम श्वास कैसे लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम उच्छ्वसन में बाहर क्या निकालते हैं। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हैं हमारे पार्ट 6 के। ठीक है, इसके साथ ही पहले हमने क्या देखा था, पार्ट परिचय देखा था। तो भाई पार्ट परिचय देखा जिसमें हमने सारे टॉपिक्स के बारे में देखा, फिर हमने अपने एक एक टॉपिक को उठा करके पढ़ना शुरू किया। तो पहला टॉपिक हमने क्या पढ़ा कि हम श्वसन क्यों करते हैं। तो हमने इसमें जान लिया कि भाई श्वसन क्यों करते हैं, क्यों आवश्यक है, क्या होता है, सारी चीज़ें। फिर श्वसन होता क्या है, श्वसन जो है वो किस प्रकार से होता है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने इस टॉपिक में देख ली। अंतर श्वसन, उच्छ्वसन, ये सारी चीज़ें हमने श्वसन के अंतर्गत ही देखी है ना। उसके बाद हम बात करें कि हम श्वास लेते कहते हैं कैसे हैं। तो हमने इसमें क्या किया, हमने अपने श्वसन तंत्र के बारे में जाना और देखा कि हम श्वास कैसे लेते हैं। श्वास जब हम लेते हैं तो हमारे श्वसन तंत्र के कौन कौन से भाग, कौन कौन से अंग जो होते हैं वो कार्य करते हैं और किस प्रकार से हमारे शरीर में जब श्वसन तंत्र कार्य करता है तो गति होती है, कौन से भाग होते हैं और कैसे उच्छ्वसन होता है, कैसे अंतःश्वसन होता है। तो ये तो हमने इस टॉपिक में देख लिया। इसके बाद हमने एक टॉपिक देखा जो हमने लास्ट क्लास में किया है, वो है कि हम उच्छ्वसन में बाहर क्या निकालते हैं। तो जब हम अंतःश्वसन कर रहे हैं तो हम तो हवा ले रहे हैं, साथ ही साथ जब हम उच्छ्वसन करते हैं तो उस समय हम क्या बाहर निकालते हैं। हमने ये भी जाना कि जब हम दर्पण के सामने क्या करते हैं, देखते हैं तो क्या होता है, हमको कुछ नमी दिखाई देती है जब उच्छ्वसन करते हैं। तो वो क्या है, हमारे उच्छ्वसन के दौरान शरीर से जलवाष्प भी बाहर आ रहे हैं, साथ ही क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। ये हमने प्रूफ के साथ देखा था एक क्रियाकलाप करके कि कार्बन डाइऑक्साइड व जलवाष्प के कण जो हैं वो हमारे उच्छ्वसन के दौरान शरीर से बाहर आते हैं। ठीक है, यहाँ तक के टॉपिक हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ लिए हैं, हर एक चित्र के साथ, हर एक क्रियाकलाप के साथ। किसी प्रकार का कोई भी डाउट है यहाँ तक में तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर आपके इनमें से कोई भी टॉपिक छूट गए हैं, नहीं पढ़ पाए हैं किसी भी कारण के से, या आप हमसे आज ही जुड़े हैं, तो आप उनको प्लेलिस्ट में जा करके पढ़ सकते हैं। इसके साथ मैं ये भी बता दूँ कि हम पार्ट 1 से लेके 5 तक इससे पहले पढ़ चुके हैं, उसके भी हमने चैप्टर के हर एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन कर दिया गया है, यहाँ से एक्सप्लेन कर दिया गया है, मतलब कि हमने हर एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ लिया है। उसके बाद हमने NCERT सॉल्यूशन भी कर लिए हैं उसके, फिर हमने MCQ और MIQ भी किए हैं, मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लिया है। अगर आपने वो पार्ट भी नहीं पढ़े या बीच में से कोई भी पार्ट छूट गया है आपका, तो आप क्या कर सकते हैं, प्लेलिस्ट पर जा करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये तो क्या हो गया भाई, ये तो सारे पास्ट वीडियोस वाली बातें हो गई, अब क्या करें। तो अब हम देखेंगे अपना क्या नेक्स्ट वाला टॉपिक। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है
अन्य जंतुओं में श्वसन। हमने किस में जान लिया श्वसन भाई? हमने मानव श्वसन की तो बात कर ली है ना, लेकिन हमारे पाठ का नाम क्या है? जीवों में श्वसन। और जीवों में श्वसन में जीव के अंदर सभी जीव आते हैं, मनुष्य भी आता है, जंतु भी आते हैं, पक्षी भी आते हैं, है ना। तो जीवों में श्वसन की बात कर रहे हैं, तो हम अब क्या करेंगे? मानव श्वसन के बारे में तो हमने जान लिया, पढ़ लिया कि मनुष्य किस प्रकार श्वसन करता है और मनुष्य का श्वसन तंत्र जो होता है वो कैसा होता है। तो ये तो बात हो गई। अब हम अन्य जंतुओं में भी श्वसन देख ले क्या है। कुछ ऐसे जंतु होते, कुछ जंतु जो तो हैं वो हमारे ही तरह क्या करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनमें कुछ अलग प्रकार के श्वसन देखने को मिलते हैं, तो हम इस पाठ में उनकी बात करेंगे जिनमें कुछ अलग तरह के श्वसन देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो जानना हमारे लिए ज़्यादा आवश्यक है। तो चलो भाई, जंतुओं में श्वसन हम देखेंगे, मतलब कि बहुत मज़ेदार सा टॉपिक होने वाला है। तो जल्दी से अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करो और उनको भी बुला लो, और जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दो, ठीक है। चलें फिर आगे। चलो तो देखो, हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेंढक, छिपकली, सर्प और पक्षियों आदि जंतुओं की वक्ष गुहाओं में मनुष्यों की भांति फेफड़े होते हैं। अब अगर हम हाथी की बात करें तो इसमें भी फेफड़े होते हैं, जिनमें भी फेफड़े होते हैं वो सभी मनुष्यों की भांति ही श्वास लेंगे। शेर हो गया, गाय हो गई, बकरी हो गया, मेंढक हो गया, लेकिन मेंढक के बारे में कुछ बातें पता चलेंगी हमें, ठीक है। छिपकली, सर्प और पक्षी, ये सभी जो हैं, है ना, पक्षी हो गए, सर्प हो गया, इन सभी में फेफड़े होते हैं और ये सभी मनुष्यों की भांति क्या करेंगे, फिर सांस भी लेंगे। अब हम ऐसे लोगों की बात करते हैं जिनमें फेफड़े नहीं होते, जो या फेफड़े होने के बावजूद भी किसी और अंग का प्रयोग करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कॉकरोच की, ठीक है। तो क्या होगा, कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अब ये जो कॉकरोच है, इसके जो पार्श्व भाग होते हैं, साइड साइड के भाग होते हैं, वहां पर छोटे छोटे क्या देखने को मिलते हैं, छिद्र देखने को मिलते हैं, ठीक है। अन्य कीटों के शरीर में भी इस प्रकार के छिद्र होते हैं और ये छिद्र श्वास रंध्र कहलाते हैं। और सिर्फ कॉकरोच ही नहीं, कॉकरोच के समान दिखने वाले और भी जो कई कीट होते हैं, उन सभी में भी उनके पार्श्व में क्या देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे छिद्र देखने को मिलते हैं। और ये जो छिद्र होते हैं ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं श्वास रंध्र। क्या? श्वास रंध्र, ठीक है। कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल बिछा होता है। अब कीट जो हैं, हमारे कीड़े जो हैं, इनमें जो गैस का विनिमय हो रहा है, गैस इधर उधर आदान प्रदान हो रहा है इसका, इसके लिए वायु नलियों का क्या होता है, पूरे शरीर में एक जाल जैसा रहता है। देखेंगे आप यहाँ पे कि क्या दिखाई दे रहा है आपको, पूरे शरीर में इनके देखो वायु जाल दिख रहा है ना, छोटी छोटी पाइप है, इससे क्या होती है, पूरे शरीर में वायु जाती रहती है। जो श्वास प्रणाल या वातक कहलाते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम श्वास प्रणाल कहते हैं। ये देखो, ये दिखाया है यहाँ पे श्वास प्रणाल, ये हो गया, ये पूरे, ये जो पाइप दिख रही है ना, ये छोटी छोटी, ये सब क्या है, ये जो यहाँ से ये ऐसे जा रही है, ये देखो, और फिर यहाँ पे ये ऐसे, ये दिख रहे हैं ऐसे, ये क्या है, ये श्वास प्रणाल है, ठीक है। और इनके माध्यम से क्या होता है, गैस के विनिमय के लिए ये पूरा, ये गैस पूरे शरीर में आगे पीछे विनिमय कर सके, उसका एक तंत्र होता है, ओके। आगे चलें, आगे देखो, ऑक्सीजन समृद्ध वायु श्वास रंध्रों से श्वास नालों में जाकर शरीर के ऊतकों में विसरित होती है और शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचती है। अब क्या होगा, वो जो श्वास रंध्र बने हुए हैं छोटे छोटे, उनसे जो ऑक्सीजन है वो क्या होगी, अंदर जाएगी। फिर वो जो श्वास नाल बने हुए हैं उनमें जाकर के वो क्या करेगी, शरीर के जो बाकी ऊतक हैं, बाकी भाग हैं, उनमें विसरित हो जाएगी, उनमें फैल जाएगी, और इस प्रकार पूरे शरीर को क्या हो जाएगी, जो शरीर की उसकी कोशिकाएं हैं, भाई जाती कहाँ हैं, हमने अभी देखा था कि कोशिका में क्या होता है, जब ऑक्सीजन जाती है तो क्या होता है, भोजन का विखंडन होता है, और क्या होता है, साथ ही ऊर्जा निर्मुक्त होती है, और ऊर्जा निर्मुक्त होगी तो क्या होगा,
हम अपने कार्यों को कर पाएंगे। तो कोशिका में पहुंचना बहुत आवश्यक है। तो भाई यही तो होगा, श्वास रंध्रों के द्वारा ऑक्सीजन अंदर गई, श्वास नालों में गई, और वो जो है वो क्या करेंगे, शरीर के बाकी ऊतकों में उस श्वास को, उस हवा को विसरित करेंगे और वो कोशिका तक जाएगी, और जब वो कोशिका तक जाएगी तो फिर उसके शरीर को क्या प्राप्त होगी, ऊर्जा प्राप्त होगी। इसी प्रकार कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड श्वास नालों में आती है और श्वास रंध्रों से बाहर निकल जाती है। और जैसे अभी ऑक्सीजन अंदर गई कोशिका तक, उसी प्रकार कोशिका में जब वो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जब विखंडन की प्रक्रिया होती है, तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है वो वही श्वास नालों के द्वारा वापस से कहाँ तक आती है, श्वास रंध्रों तक आती है और श्वास रंध्रों से बाहर निकल जाती है। तो ये अपने गलफड़ों का प्रयोग, गलफड़े नहीं सॉरी फेफड़े, ये अपने फेफड़ों का प्रयोग नहीं करते हैं, किस से अपने जो इनके शरीर के पार्श्व साइड में, साइड में इनके क्या बने रहते हैं, छोटे छोटे छिद्र रहते हैं, श्वास रंध्र रहते हैं, ये उसके माध्यम से क्या करते हैं, हवा को बाहर निकालते हैं। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है, श्वास नाल अथवा श्वास प्रणाल केवल कीटों में ही पाया जाता है। अब अगर ये जो श्वास नाल और श्वास प्रणाल की हम बात कर रहे हैं ना, ये जो दिख रहे थे, ये मनुष्यों में नहीं पाया जाएगा, ना ही किसी सर्प में पाया जाएगा, ना पक्षी में, ये किन में पाया जाएगा, ये सिर्फ कीटों में, कीड़ों में ही पाया जाएगा। ठीक है, कॉकरोच एक कीट होता है। जंतुओं के अन्य समूहों में ऐसी व्यवस्था नहीं पाई जाती है। जंतुओं के अगर हम अन्य समूहों को देखेंगे, गाय भैंस शेर चीता भालू इनकी बात करें, तो इनमें इस प्रकार की व्यवस्था नहीं पाई जाती, ये सिर्फ किस में पाई जाती है, ये सिर्फ कीड़ों में पाई जाती है। ठीक है, चलें आगे। अब हमारा नेक्स्ट जीव क्या हो गया, नेक्स्ट है केंचुआ। केंचुए के बारे में भी और जानते हैं, क्योंकि इसमें भी कुछ अलग प्रकार का ही श्वसन देखने को मिलता है। तो केंचुए जो है वो अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं। अब ये किसका प्रयोग कर रहे हैं, ये कोई श्वास रंध्र वगैरह का प्रयोग नहीं कर रहे, और इनमें कोई फेफड़े भी नहीं होते, ये किससे, ये अपनी त्वचा मतलब कि स्किन, ये अपनी स्किन से, अपनी त्वचा से क्या करते हैं, उससे ये श्वसन करते हैं। केंचुए की त्वचा स्पर्श करने पर आर्द्र और श्लेष्मीय प्रतीत होती है। अब इसका मतलब क्या है, आर्द्र मतलब कि नम, है ना, वेट नम, तो कैसी दिखती है, ऐसी गीली सी प्रतीत होती है। अगर आप केंचुए को कभी देखोगे भी, वो सूखी भी जगह पे चल रहा होगा, पर हमें देख के ऐसा लगेगा यार इसका शरीर गीला है। दूसरा कैसा, श्लेष्मीय होता है, चिकना सा होता है ना, ऐसा लगता है उसके बाहर कोई परत है जो चिकनी सी परत लगी हुई है, तो इस प्रकार से उसका शरीर होता है। इसमें से गैसों का आवागमन आसानी से हो जाता है। अब वो उसका शरीर इस प्रकार का होता क्यों है, ये नम श्लेष्मीय क्यों होता है, क्योंकि इसके द्वारा क्या होता है, जो हवा का आदान प्रदान हो रहा है उसके शरीर से, उसमें क्या हो जाती है, उसमें बड़ी मदद मिल जाती है, बहुत आसानी हो जाती है उसको। ठीक है, यद्यपि मेंढक में मनुष्य के भांति फेफड़े होते हैं। देखो ये तो बात किसकी होगी, केंचुए की। अब मेंढक वाली जो मैं बात बोल रही थी कि मेंढक में मनुष्य के भांति फेफड़े होते हैं, तथापि वे अपनी त्वचा से भी श्वसन करते हैं जो आर्द्र और श्लेष्मीय होते हैं। अब ये क्या करते हैं, किसकी बात करें अगर हम मेंढक की, तो मेंढक जो होता है ना, इसके पास फेफड़े भी होते हैं, साथ ये किससे करता है, ये अपनी त्वचा से भी सांस लेता है, तो ये दोनों का प्रयोग करता है। अब फेफड़े तो कब बाहर है, तो फेफड़े से कर रहा है ना, तो फेफड़ों से भी श्वसन कर सकता है और अपनी त्वचा से भी कर सकता है। तो ये क्या करेगा, इसकी ये त्वचा से भी करता है, इसीलिए इसका जो शरीर आपने देखा होगा वो हमको नम और कैसा दिखता है, श्लेष्मी चिकना सा प्रतीत होता है। ठीक है, तो हमको ऐसा उसका शरीर क्यों पता चलता है, क्योंकि वो भी क्या करता है, त्वचा से सांस लेता है। अब देखो हमने मेंढक के बारे में पढ़ा था कि मेंढक जो होता है ना, वो क्या होता है कि वो स्थल पे भी रह सकता है, जमीन पे भी रह सकता है और जल में भी रह सकता है, तो हो भी सकता है कि इसलिए उसके पास दो प्रकार की श्वसन प्रणाली होती है। ठीक है, तो ये हो गया भाई अन्य जंतुओं में क्या
श्वसन, अभी हमारे जंतु खत्म नहीं हुए हैं, टॉपिक अलग अलग है, लेकिन देखो जो बाहर रहते हैं, जमीन पे रहते हैं, उनके बारे में हमने जान लिया कि वो किस प्रकार से श्वसन करते हैं, और बाकी हमने शुरू में ही देख लिए थे कि हाथी, शेर, चीता, सर्प और पक्षी, ये सब हमारे प्रकार, हमारी ही तरह क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। तो इनका श्वसन जानने की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने किसका श्वसन देख लिया, हमने जब मनुष्यों का श्वसन जो है वो समझ लिया है, तो हमको अन्य जानवरों, अन्य जंतुओं का भी श्वसन समझ आ गया है। लेकिन जो कुछ ऐसे जीव थे, कुछ ऐसे जंतु थे जो क्या हैं, जो जमीन पे रहते हैं, लेकिन उनकी श्वसन प्रक्रिया थोड़ी सी भिन्न है, तो उनको जानना हमारे लिए आवश्यक था। तो उसमें हमने कॉकरोच, केचुआ और क्या मेंढक, इनकी बात कर ली है। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में किसमें देखेंगे कि जो जल में रहते हैं उनमें श्वसन किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो उस जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम जल वाले जो जीव हैं उनकी बातें करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास देखने के लिए और आगे की सभी क्लासेस देखने के लिए जुड़े रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन के साथ। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। अगर आप हमसे ई नोट्स और ई बुक्स भी लेना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी के साथ मैं बता दूं आपको कि हमारे पास हैं आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज, जैसे कि बात करूं तो CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। और ये सभी कोर्सेज आपको मिलते हैं हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में। साथ ही इन कोर्सेज के लिए आपको किसी भी तरह का कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं देना पड़ता, क्योंकि ये कोर्सेज आपको मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि 100% फ्री। अगर आप हमसे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और टेलीग्राम पर भी। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।